नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम किंगडम मुनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई जो हमारा चैप्टर था उसमें हमारा मुनेरा चल रहा था। मुनेरा के अंदर हमारा बैक्टीरिया टॉपिक चल रहा था। बैक्टीरिया में मैंने उसका सेल स्ट्रक्चर जो है लास्ट वीडियो में आपके में कंप्लीट किया था। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ न्यूट्रिशन। किसका? बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन मोड कैसे होते हैं, यानी न्यूट्रिशन मतलब कि वो अपना खाना किस किस तरीके से बनाते हैं ये हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो न्यूट्रिशन सबसे पहले देखें तो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से। जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से, ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया बोलते हैं। मैंने बताया था ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब भोजन। जो ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ। यहाँ बात हो रही है बैक्टीरिया की, इसीलिए जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेजेंस में उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के भी टू टाइप्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक। फोटो ऑटोट्रॉफ से मतलब है, फोटो का मतलब ही है किससे, फोटो का मतलब है लाइट। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, इसमें लाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, जिसमें कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेम ऐसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक क्लोरोफिल बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्रोमेटोफोर की जगह क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड की जगह पे, और क्लोरोफिल की जगह पे बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाना बनाने में इनकी में मदद करते हैं। यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। पर ये ग्रीन प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता था वो ऑक्सीजन निकलता था। इसकी जो प्रोसेस होगी, इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो सल्फर निकलेगा। क्या निकलेगा? सल्फर। सल्फर क्या होगा? बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट की तरह क्या निकलेगा? सल्फर। यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफ यानी कि वो बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। लाइट के प्रेजेंस में खाना वो कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड H2S लाइट की प्रेजेंस में किसको निकालते हैं? सल्फर को एज ए बाय प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इसमें क्रोमेटोफोर्स प्लास्टिक की जगह प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल की जगह पे बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। दूसरा टाइप आ जाता है हमारा कीमोसिंथेटिक। कीमो मतलब होता है केमिकल्स, और केमिकल्स किससे हो रहे हैं? इसमें क्या होता है, इसमें भी खाना अपनी तरीके से ही बनाया जाता है, पर इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो रॉ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से खाना बनाते हैं, और वो जो उस खाना बनाने के लिए जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनको मिलती है। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अपना खाना इनऑर्गेनिक रॉ यानी कि कच्चे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या कंपाउंड होते हैं उनसे अपना खाना बनाते हैं, और जो ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे वो उस खाना बनाने की एनर्जी को लेते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ही आते हैं। यानी कि फोटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ये दो टाइप हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं।
कीमोसिंथेटिक की कुछ प्रोसेस हैं, इन्हें मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। तो अगर कीमोसिंथेटिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ जाता है इसमें नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या, जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसमें ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट की फॉर्म में बना देता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। दूसरा आता है हमारा कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि CO को ऑक्सीडाइज करके CO2 का फॉर्म करके एनर्जी का लिब्रेशन कर देता है। ये जो होता है, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है रॉ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उसकी जो एनर्जी डिराइव होती है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में उससे होती है। तो यहाँ पे ये जो है ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा है और एनर्जी जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये जो हुआ ये एक कीमोसिंथेटिक टाइप के क्या हुए, एग्जांपल्स हुए जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। नेक्स्ट टाइप है न्यूट्रिशन में, वो आता है हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स यानी कि ऑटोट्रॉप्स के जस्ट अपोजिट। ऑटोट्रॉप्स जो खाना खुद बनाते थे, हीटरोट्रॉप्स यानी कि जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं आगे बताती हूँ कि हीटरोट्रॉप्स के टाइप्स क्या हैं और हीटरोट्रॉप्स डिटेल में समझाती हूँ। तो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर ना करके दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद ना बना सकें, वो अपना खाना बनाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ऐसे बैक्टीरिया को हम हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये जो मैंने 3 टाइप्स आपको बताए हैं, ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, तीनों टाइप के सैप्रोफिटिक क्या हैं, सिम्बायोटिक क्या हैं और पैरासिटिक क्या हैं। बट हम इस चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सैप्रोफिटिक यानी कि सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकिंग। डेड एंड डिकिंग मटेरियल में से जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर अपना भोजन बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर में से अपना खाना बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम ऐसे बैक्टीरिया को हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक रिलेशन बनाना, यानी कि जो होस्ट सेल के साथ में जब कोई एक ऐसा रिलेशन बना ले कि दोनों को ही म्यूचुअली फ़ायदा हो, दोनों एक दूसरे को किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं और अपना खाना बना लें, ऐसी कंडीशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइकेंस, और लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी और फंजाई, दोनों ही एक दूसरे को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, बट दोनों ही एक दूसरे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ऐसे ही सिम्बायोटिक में होस्ट सेल एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं बट हम किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं देते हैं एक दूसरे को। पैरासिटिक मोड जो होता है, इसमें जो होता है इसमें कोई बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर सर्वाइव करता है बट वो होस्ट सेल को डैमेज करता है या फिर डिसीज कॉज करता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर
हम पढ़ रहे थे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को डिटेल में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को और पैरासिटिक को। तो अगर सेप्रोफिटिक की बात करें तो सेप्रोफिटिक मैंने बताया कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में से जो बैक्टीरिया अपना खाना बना लेते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करके कुछ एंजाइम्स की हेल्प से, जो कि वो एंजाइम्स उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम सेप्रोफिटिक कंडीशन बोलते हैं। किसकी? न्यूट्रिशन की। यानी कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में से अपना खाना बनाते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एंजाइम्स के थ्रू सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम सेप्रोफिटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर सेप्रोफिटिक की बात आती है तो इसके अंदर डिकम्पोजिशन की बात आएगी, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एरोबिक फॉर्म, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एरोबिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होगा उस कंडीशन को हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक ब्रेकिंग डाउन जब होता है ऑर्गेनिक मैटर का, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन होता है, या फिर जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसमें जब ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो कहलाता है फर्मेंटेशन। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन में होता है एनएरोबिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जब एनएरोबिक ब्रेकिंग डाउन होता है, एनएरोबिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब प्रोटीन का ब्रेकिंग डाउन होता है उसको हम बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन। ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि डिकम्पोजिशन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है एंड प्यूट्रिफिकेशन क्या है। ये सभी के सभी किसके अंदर आए? हमारे सेप्रोफिटिक के अंदर आए। नेक्स्ट आया था सेप्रोफिटिक के बाद, मैंने क्या बताया था आपको? सेप्रोफिटिक के बाद मैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को मैं आगे डिटेल में आपको बताती हूँ। अगर बात आती है सिम्बायोटिक की, तो सिम्बायोटिक में मैंने आपको बताया था, सिम्बायोटिक में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो सेल के अंदर जाके सर्वाइव करता है, बट वो किसी भी तरीके कोई डैमेज नहीं करता है होस्ट सेल का। वो एक तरीके से उसको हेल्प करता है उसकी केमिकल कंडीशंस में या फिर बायोलॉजिकल कंडीशंस में। अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है किस में होता है? रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, मैंने बताया था पल्सिस लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इसके रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है अमोनिया के फॉर्म में। ये ऐसी कंडीशन में जो होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये राइजोम जो है इसका एग्जाम्पल है। राइजोम और हमारे जैसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ये किसमें? रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि इकोलाई, ये क्या करता है? ये एक तरीके से विटामिन के और B12 जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ह्यूमन ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा, ये हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है।
यानी कि सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है या फिर सिम्बायोटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें होस्ट सेल जो होता है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है किसको, जो आने वाला बैक्टीरिया होता है उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो वो बैक्टीरिया होता है वो उसको, यानी जैसे कि इसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने नहीं दे रहा था और विटामिन के और B12 को प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि ह्यूमन ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ब्लड कंपोनेंट होते हैं ये। तो इस तरीके से ये एक तरीके से हेल्प करते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये हो गया हमारा सिम्बायोटिक। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक मैंने आपको बताया था, पैरासिटिक में क्या होता है कि जो हमारा होस्ट सेल होता है, जब उसके अंदर कोई बाहर का बैक्टीरिया उसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, वो होस्ट सेल को डिसीज्ड कर देता है या फिर उसको हार्मफुल कंडीशन में डाल देता है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर होस्ट सेल डैमेज होता है और आने वाला जो एजेंट होता है वो होस्ट सेल से अपना खाना बनाता है और उसको डिसीज कर देता है उसके अंदर। ऐसे कंडीशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा कीमोसिंथेटिक। इसके अंदर हमने पढ़ा था, और हीटरोट्रॉफ के अंदर 3 टाइप के पढ़ लिए हमने, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। नेक्स्ट आ जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो मैं आपको बताती हूँ। तो न्यूट्रिशन के बाद अगर बात करें तो रेस्पिरेशन की बात आती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड लिब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर 2 तरीके के रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, फर्स्ट एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक होता है वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे, वो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है। जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉर्म करते हैं। दूसरी बात आती है हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। इसके जस्ट अपोजिट जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हों वो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं। एन मतलब कि विदाउट, यानी और एरोबिक माने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया के थ्रू विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है क्लॉस्ट्राइडियम। क्लॉस्ट्राइडियम वो बैक्टीरिया होता है जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसके बाद आ जाती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें रिपीटेडली ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है बाय देयर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा जब उनके यंग वंस का प्रोडक्शन होता है रिपीटेडली उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया, आपको नहीं सॉरी 12th में पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन के अंदर थ्री टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव टाइप, एसेक्सुअल टाइप एंड थर्ड सेक्सुअल टाइप। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एसेक्सुअल जो होता है
उसमें सॉरी वेजिटेटिव के आर्टिफिशियल में क्या होता है, इसमें मैन मेड टेक्निक्स के थ्रू हम न्यू प्लांट्स जनरेट करते हैं और नेचुरल के अंदर नेचुरली ही प्लांट्स के पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। दूसरा आता है हमारा एसेक्सुअल टाइप। एसेक्सुअल जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सॉरी एसेक्सुअल टाइप में फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, यानी किसी भी टाइप का जब फ्यूजन ना हो करके से प्रजनी का डेवलपमेंट होता है या प्रोडक्शन होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल। ए मतलब विदाउट, सेक्स मतलब कि सेक्स का फ्यूजन होना है, यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब किसी भी जायगोट का या फिर हम बोलें प्लांट का प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट अपोजिट होता है एसेक्सुअल टाइप के। सेक्सुअल टाइप में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच फॉर्म जायगोट, यानी कि जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होके क्या बना ले, जायगोट का फॉर्मेशन कर ले, वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं होता, इसके अंदर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके थ्री टाइप्स होते हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें इसका तो हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक सेल का डायग्राम है। इसके अंदर जो सेल जो होती है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसकी आउटिंग कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है, और उसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, और ये इसका रेप्लिकेटेड डीएनए है। अगर फर्दर स्टेप्स में देखें हम, और ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। अगर फर्दर हम इसकी प्रोसेस देखें तो फर्दर क्या होगा आगे, जो इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, इलांगेट होना स्टार्ट करेगी। इलांगेट होके जो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड जो है वो क्या हुआ, सेपरेट हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसमें क्रॉस वॉल फॉर्म होती है। ये देख रहे हो आप, ये जो वॉल है ये क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है, और इस क्रॉस वॉल के फॉर्मेशन की वजह से आगे चल के ये दोनों सेल क्या हो जाएंगी, आपस में सेपरेटेड दिखने लगेंगी। क्रॉस वॉल कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है, इसमें पार्शियली है, इसमें कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है। और जब इसमें कम्प्लीटली क्रॉस वॉल फॉर्म हो जाती है तो फर्दर ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके डॉटर सेल फॉर्म कर लेती हैं। इनका खुद का सेपरेटेड न्यूक्लियोइड हो जाता है और ये इनका खुद का सेपरेटेड डीएनए भी देखने को मिलता है। इस तरीके से ये वेजिटेटिव टाइप जिसमें बाइनरी फिशन हमने लिया वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसमें सेल का जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होके आगे क्रॉस वॉल फॉर्म करके वो डॉटर सेल के फॉर्मेशन में आ जाता है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है बडिंग। हम बडिंग जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या होता है जो मदर सेल होती है उस मदर सेल की किसी एक साइड पे क्या होने लग जाता है, आउट ग्रोथ आने लग जाता है। अगर हम बडिंग की बात करें, बडिंग की, तो ये जैसे सेल है ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के क्या होता है किसी एक साइड पे क्या होता है,
स्वेलिंग पार्ट डेवलप होने लग जाता है। जैसे ही स्वेलिंग पार्ट डेवलप होता है, इसका ये जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये इलोंगेट होता है और ये जो बडिंग फॉर्म होती है ये एक अपना डिफरेंट सेल बना लेती है और इससे एक न्यू प्लांट बन जाता है। इस तरीके से कई बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं बडिंग। वेजिटेटिव टाइप में बैक्टीरिया के अंदर टू टाइप्स होते हैं, वो होते हैं एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है हमारा बडिंग। इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर टू टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिशन जिसने कि मैंने अभी बताया था एलोंगेट रेप्लिकेट होकर डीएनए सेल वॉल फॉर्म करके डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। इसी तरह से बडिंग में सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ बल्ब लाइक स्वेलिंग डेवलप हुई, उसमें न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन हुआ और वो फर्दर एक न्यू सेल बन के पेरेंटल सेल से डिटैच हो जाती है और वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरीके से वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।